दोस्तों नमस्ते, नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा है उसमें क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं आज बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ आपको, आप मेरे साथ दो मिनट के लिए बने रहे, ये आपके लिए है। कोई कहता है जैसे हम बोल रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये मैं हूँ क्या, कि वास्तव में मैं नहीं हूँ, इसके बारे में, मैं और मेरा के बारे में थोड़ा सा दो मिनट का समय लेना चाहता हूँ, तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। मैं का मतलब क्या होता है, क्या पंच तत्व जो होते हैं, पंच तत्व से प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृति जो है वो वनस्पति है, अपने आप जो है हमको पृथ्वी पर मिलती है वो प्रकृति कहलाती है, और कृत्रिम जो है जो हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं, फर्नीचर है, घर है, बर्तन है, अन्य चीजें जो है जो हमारे द्वारा बनाई जाती है वो कृत्रिम कहलाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रकृति का जो निर्माण है, प्रकृति जो है, हम भी प्रकृति से ही बने हुए हैं, हमारा भी शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। तो क्या हम मैं का मतलब पंच तत्व होता है क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो दूर करना चाहता हूँ। मैं का मतलब क्या होता है, यदि मैं है तो क्या मैं इस शरीर को लेके जाता हूँ साथ में जब इस दुनिया से जाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रकृति जो है, क्या प्रकृति अपने साथ में जाती है क्या, हमारे जो पंच तत्व है हमारी साथ में जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं, हम इस शरीर को यही छोड़ के जाते हैं, यही सत्य है। और जो हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो हम खेती में उत्पादन करते हैं, जो हम जल ग्रहण करते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो प्रकृति से ही हमको प्राप्त होता है। फल फूल वनस्पति जड़ी बूटी दवाई या जो भी है, हमारे शरीर जो है प्रकृति के साथ परस्पर संबंध निरंतर बना रहता है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता है। लेकिन उसमें अचेतन जो है वो आत्मा होती है, आत्मा यदि चली गई तो हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से निर्मित है, वह पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। इसलिए सत्य यही है कि इस शरीर को हम छोड़ के चले जाते हैं और यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए। इसीलिए मैं ये पसंद करता हूँ, प्रकृति हमारे पीछे है, ये पेड़ पौधे जो है यही प्रकृति के ही भाग हैं, इन्हीं से ही हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। दोस्तों हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जल में जो है मछली रहती है, जल अपने मछली भी जो है फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करती है। मैं ये कहता हूँ जितने भी समस्त जीव पृथ्वी पर हैं, सभी जीव जो है ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, सिर्फ जो है पेड़ पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमारा संबंध निरंतर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मैं और मेरा, जो मैं है वह आत्मा है और जो मेरा है वह आत्मा का जो परमात्मा है, हमारी जो आत्मा है वो जिससे इस शरीर से छूटने के बाद जिससे मिल जाएगी उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो आज मैं जो है आपको थोड़ा सा मैं और मेरा के बारे में बताया, लेकिन क्या आपने परमात्मा को देखा है? हाँ, हम परमात्मा को जानते हैं, लेकिन हम जब तक उसके बारे में नहीं जानते तब तक हम अनभिज्ञ रहते हैं, और उसके बारे में नहीं जानते तो उससे हम मतलब भी नहीं रखते। कहते हैं आपके आमने सामने ही कोई मूल्यवान वस्तु रहती है, लेकिन जब तक आप उसको देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, परख नहीं लेते, तब तक उस वस्तु के बारे में आप भी ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु इतनी मूल्यवान है, हम इसके बारे में इतना जानते हैं, ये ऐसा है। ऐसे ही किसी के अंदर भी कुछ चीजें रहती है जिसको हम भी जब तक उनको पहचाने ना, जब तक उनके साथ रहे ना, तब तक उनके
चरित्र और व्यवहार से हम भी नहीं जान सकते, इसलिए व्यक्ति की जो मूल संपत्ति होती है वह जो है उसके गुणों की होती है। प्रकृति में भी बहुत से गुण हैं, बहुत से ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो जिनका मूल्य जो है हम नहीं आंक सकते हैं, जीवन दायिनी है। कहा गया है श्री लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाढ़ लगी थी, उस शक्ति बाढ़ में संजीवनी बूटी हिमालय से लाई गई थी और वह संजीवनी बूटी उनके चेतन अवस्था को फिर से ला दी थी, वो फिर से खड़े हो गए थे और मेघनाथ को ललकारने लगे थे। ऐसे ही हम प्रकृति के अंश हैं, प्रकृति हमारी सुरक्षा है, प्रकृति के कारण ही हमारा जीवन है और हम सब जो है प्रकृति के ही अंश हैं। तो प्रकृति में ही हमारा पूरा अस्तित्व समा जाता है और हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है। तो आत्मा का मतलब जो है क्या होता है, परमात्मा। अब परमात्मा क्या है इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि परमात्मा क्या है, परमात्मा का मतलब क्या होता है, क्या आपने परमात्मा को कभी देखा है। हाँ, हम यदि आपको बता देंगे साक्षात्कार रूप में तो आप भी कहेंगे कि नहीं, हाँ आप जो बताए हैं कि वास्तव में परमात्मा होता है और परमात्मा का साक्षात्कार रूप क्या है। तो दोस्तों नमस्ते।